हर हर महादेव। केदारनाथ धाम जून दर्शन अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा इस जून के महीने में करना चाहते हैं और आपको ये पता करना है कि इस समय वहाँ के क्या हाल है, वहाँ क्या भीड़ है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर। आज मैं आपको उस अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जून का महीना आ चुका है और आप में से बहुत से लोग हैं जो जून के महीने में अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो रखा है और अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है, जिसका अपडेट मैं देखिए यहाँ आपको दे चुका हूँ। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप हरिद्वार आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हरिद्वार में लाइन में जल्दी लगना होगा, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्योंकि 1 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन खुला था, दोपहर तक सारा फुल हो गया था, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लाइन में लगना होगा। तो आप में से काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि अभी भी यहाँ पर भीड़ है। तो यस, जून में फिर से यहाँ भीड़ होने वाली है, क्योंकि अब स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ अब दोबारा से केदारनाथ धाम और चारों धामों में होने वाली है। तो एक अपडेट न्यूज़पेपर में आ चुका है, वही अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दर्शन करने का टाइम भी बताऊँगा कि इस समय वहाँ किस टाइम दर्शन किए जा रहे हैं, और मंदिर बंद होने का टाइम भी बताऊँगा। लेकिन अपडेट देने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। तो चलिए मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। यहाँ देखिए, अखबार में एक न्यूज़ आ रखी है, केदारनाथ 1 घंटे में 1800 यात्रियों को दर्शन कराने के लिए BKTC तैयार। इस माह से बढ़ सकती है तीर्थ यात्रियों की संख्या, यानी जून मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह 4:30 बजे से कराए जा रहे दर्शन, श्रृंगार दर्शन के लिए लग रही है भीड़। तो पूरी न्यूज़ में आपको यहाँ पढ़ के बताने वाला हूँ। केदारनाथ यात्रा में जून में आस्था का सैलाब फिर से उमड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। श्रद्धालुओं की भीड़ के हिसाब से धाम में समिति द्वारा 1 घंटे में 1800 से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे, यानी 1 घंटे में 1800 से अधिक श्रद्धालु वहां दर्शन कर सकते हैं। साथ ही बाबा केदार के भक्त अपने आराध्य के श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे से कर सकेंगे। 10 मई से शुरू ही केदारनाथ यात्रा में इस माह 22 दिनों में रिकॉर्ड 5,88,790 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि वर्ष 2022 में मई के 31 दिनों में धाम में 5,54,471 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। वहीं स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश और सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद आगामी सप्ताह से केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। इसे लेकर BKTC ने केदारनाथ में दर्शन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए योजना बनाई है। समिति 1 दिन में 36,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समिति के अनुसार श्रद्धालुओं की भीड़ के हिसाब से 1 घंटे में 1800 से 2100 श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। जून में धर्म दर्शन सुबह 4:30 बजे शुरू कर दिए गए हैं, वहीं अपहरण 3:30 बजे तक हो रहे हैं, यानी 4:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपको वहां दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आधे घंटे बाबा केदार को बाल भोग लगाया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर को बंद किया जा रहा है। गर्भगृह की साफ सफाई के बाद शाम को 4 बजे से पूर्ण धर्म दर्शन कराए जा रहे हैं, जो शाम 7 बजे तक हो रहे हैं। तो देखिए, जो मंदिर का बंद होने का टाइम है वो 3:30 बजे का है, और 4 बजे वहाँ मंदिर ओपन हो रहे हैं। ये मैं जून की बात कर रहा हूँ। सायंकालीन आरती के बाद बाबा केदार के श्रृंगार दर्शन होंगे, जो रात 12 बजे तक कराए जा रहे हैं। रात 12 से सुबह 4 बजे तक भक्तों की पूजाएँ संपादित की जा रही है। केदारनाथ में यात्रा में सफल संचालन के लिए BKTC के 80 कर्मचारी रोटेशन के हिसाब से 8-8 घंटे की ड्यूटी देते हुए बाबा के भक्तों को दर्शन कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको पूरी न्यूज़ दिखा दी है। अगर आप जून के महीने में केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो वहाँ जो दर्शन का टाइम है वो मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आप इसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह के अपडेट लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।